तो हेलो बेटा, आ जाए आज हमारे दूसरे लेक्चर में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोडियम ओ सॉरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवोगैड्रोज नंबर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एवोगैड्रोज नंबर्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवोगैड्रोज तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? एवोगैड्रो नंबर, या उसे हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर, उसे हम शो करते हैं एन ए से। एन ए जो है इसकी वैल्यू है। अब एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं उस पे आ जाएं और देखें, उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर होते हैं कि एक एलिमेंट एक मोल का, कोई भी एक एलिमेंट हो एक मोल का, हम कोई भी एलिमेंट ले लें। जैसे हम देखेंगे एलिमेंट ले रहे हैं हम एक मोल का। अब इसमें कितने एटम्स होंगे या कितने पार्टिकल्स होंगे तो उसको हम कहते हैं क्या? क्या ले रहे हैं हम? एवोगैड्रो नंबर NA, जिसको शो करते हैं। अब देखें कि एलिमेंट हम ले रहे हैं एक एलिमेंट जिसका है 1 मोल। क्या है बेटा? 1 मोल है। अब इसका देखें कि इसमें कितने एटम्स हैं या कितने पार्टिकल्स होते हैं, उसे हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर NA, इसकी एक फिक्स वैल्यूड होती है। तो फिक्स वैल्यू इसकी होती है वो है 6.02 × 10³। तो एक मोल में किसी भी एक एलिमेंट के एक मोल में 6.02 × 10³ पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, या क्या होते हैं? एटम्स होते हैं 6.02 × 10³ में क्या होते हैं? एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल। अब आ जाएं आपके एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन में। सबसे पहले आपको पता है हम लिखेंगे डेफिनेशन। अब एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन क्या है? एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन है कि एवोगैड्रो नंबर इज अ नंबर ऑफ एटम्स। एवोगैड्रो नंबर इज अ नंबर ऑफ एटम्स। एवोगैड्रो नंबर क्या है? एवोगैड्रो नंबर है जो एक नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एंड आयंस एंड आयंस। तो एवोगैड्रो नंबर एक होता है जो नंबर ऑफ एटम्स होता है या मॉलिक्यूल्स होता है या आयन होता है इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट। इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब ऑफ एन एलिमेंट किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ एटम्स को। नंबर ऑफ एटम्स में हम जो है एलिमेंट को करते हैं। या 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अब ये तीन चीजें हैं, नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस है, मगर मैं इनको खोल के जो है लिख रहा हूँ कि इन नंबर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट या 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एन कोवेलेंट कंपाउंड या क्या एंड 1 ग्राम आयन ऑफ एन सब्सटेंस या 1 ग्राम आयन ऑफ एन सब्सटेंस रेस्पेक्टिवली। तो आप देखेंगे एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं। एवोगैड्रो नंबर इज अ नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एटम होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस में होते हैं। तो ये कैसे पाए जाते हैं? इन 1 ग्राम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट में होते हैं या 1 ग्राम मॉलिक्यूल में होते हैं या 1 ग्राम आयंस में होते हैं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है 1 मोल, एलिमेंट का भी मतलब है 1 मोल, एक एलिमेंट का 1 मोल, एक मॉलिक्यूल का 1 मोल या एक आयन का 1 मोल। तो उसमें जितने एटम्स पाए जाते हैं, तो एटम्स किस में पाए जाते हैं? एलिमेंट्स में। अगर जितने मॉलिक्यूल्स, अब आप देखें कि हम जो है क्या ले रहे हैं, 1 मोल ले रहे हैं। तो 1 मोल किसका ले रहे हैं? अगर मॉलिक्यूल का लेना है तो उसमें 6.02 × 10³ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हम एटम का ले रहे हैं तो उसमें, अगर किसी एलिमेंट का ले रहे हैं
तो उसमें होंगे 6.02 × 10³³, क्या होंगे एटम्स होंगे। तो क्या होते हैं मेरा एलिमेंट्स में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, कल भी बताया, और हमारे पास जो है फार्मूला आयन में हमारे पास क्या, आयन में हमारे पास 1 ग्राम आयन्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के। तो अब आप एग्जांपल ले लें, एग्जांपल किसका एग्जांपल ले लें, अब हम किस पे आते हैं, सबसे पहले हम एलिमेंट पे आते हैं। इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट में एवोगाड्रो नंबर क्या होंगे, इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट, इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट में एवोगाड्रो नंबर क्या होंगे। अब इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट में आप देखेंगे हमारे पास है 1.008 ग्राम, किसके, हाइड्रोजन एटम के। हमारे पास क्या है 1.008 ग्राम है इसके हाइड्रोजन एटम के, या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसमें कितने एटम्स होंगे, ये मैं हमारे पास एलिमेंट, अब इसमें कितने एटम्स होंगे, वो हमारे पास होंगे 6.02 × 10³³ Na एटम्स होंगे, किसमें 1.008 में। तो हम किस पे, हम देखें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में हमारे पास कितने एटम्स होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं 6.02 × 10³³। अब आप सपोज करें कि हम इसके 2 एटम्स लेते हैं, मतलब 2 ग्राम लेते हैं, कितने 2 एटम्स लेते हैं हाइड्रोजन के, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, या 2 एटम्स लिए तो उसमें 2 मोल्स होंगे, या 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कितने हमारे पास जो है एवोगाड्रो नंबर उसमें होंगे, उतने होंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 × 10³³। तो जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, हमारे पास जवाब आएगा 12.04, आप कर लें, हमारे पास आएगा 12.04 × 10³³। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसे जो है ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.204 × 10¹⁴ एटम्स, क्या 1.204 × 10¹⁴ एटम्स होंगे किसमें, हाइड्रोजन में। अब हम आते हैं कि देखें अगर हम क्या क्या ले लें 23 ग्राम, क्या ले लें बेटा, अब हम आते हैं कि ले लें 23 ग्राम किसके, सोडियम के, सोडियम एटम के, या हम ले लें 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, तो इसमें कितने हमारे पास होंगे एटम्स, तो इसमें हमारे पास होंगे 6.02 × 10³³, क्योंकि 1 मोल अगर सोडियम का ले रहे हैं तो इसके हमारे पास होंगे 6.02 × 10³³। अगर आप सपोज करें कि हम ले रहे हैं 238 ग्राम, क्या 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम, या यूरेनियम एटम, या हम ले रहे हैं 1 मोल ऑफ यूरेनियम, तो इसमें भी कितने होंगे पार्टिकल, इसमें भी 6.02 × 10³³ पार्टिकल्स होंगे। तो ये हमारे पास हो गए 6.02 × 10³³। अगर कोई भी हम एटम ले रहे हैं, यूरेनियम ले रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं, अगर उसके पास 1 मोल है तो उसमें होंगे 6.02, अगर 2 मोल्स हैं तो उसके डबल, 2 से मल्टीप्लाई, अगर 3 मोल्स है तो 3 से मल्टीप्लाई, अगर 5 मोल लेते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। अब आप देखें कि हम ले रहे हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम के, या 1 मोल ले रहे हैं हम किसके, ऑक्सीजन के, तो उसमें भी कितने होंगे 6.02 × 10³³। तो Na किससे, आप देख रहे हैं Na का रिलेशनशिप जो डायरेक्टली है वो है मोल से, वो ग्राम से उसकी तादाद तक पे कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम जो है यूरेनियम का 238 ले रहे हैं तो वो 16 से कितने गुना जो है ज़्यादा है,
मगर अगर उसके हिसाब से लेते तो हमारे पास जो है उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा हो जाते, मगर हम किसके किसके जो है तादाद से ले रहे हैं वो मोल है। आप देख सकते हैं कि जितने भी मैंने लिए हैं उसमें 1 मोल है, तो 1 मोल के 6.02 ले रहे हैं। अगर हम मोल चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, तादाद चेंज आ रही है। तो ये रिलेशन है इसका किसके साथ है, नंबर ऑफ एटम का रिलेशनशिप किसके साथ है, मोल के साथ। तो नंबर ऑफ एटम का अगर हम एक स्पेसिफिक फॉर्मूला लिखें तो वो क्या होगा, तो ये होगा वो फॉर्मूला। अगर आप नंबर ऑफ एटम का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला लिखें तो नंबर ऑफ एटम्स का जो फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ एटम्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मोल मल्टीप्लाई बाय एन ए। तो ये होगा नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला। अब सपोज करें कि हम जो है 0.1 मोल ले रहे हैं, तो आप बताएंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, 6.02 × 10^23 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 6.02 × 10^23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1 Na। ये सेम ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अगर हम क्या ले रहे हैं तो उसको जो है सिंपल, अब आप इसको सिंपल करने के लिए आप क्या करें, इसको पॉइंट को इधर लेके जाएं, तो ये हो जाएगा 10^-1। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इसमें से गया, तो इसका 6.02 × 10^23, अगर इसमें से 1 गया तो ये बचेगा 6.02 × 10^22। तो 6.02 × 10^22 पार्टिकल्स होते हैं 0.1 मोल में। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप सपोज करें ये हमारे पास हो गया क्या, नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला। तो ऐसे ये होता है नंबर ऑफ एटम का फार्मूला, फार्मूला आपको नोट करना है। अब आप सपोज करें कि एक प्रॉब्लम है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, एक क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट आप करें नंबर ऑफ एटम्स, मगर हमारे पास मोल नहीं दिए हुए। क्या दिए हुए, 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम, 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। तो अब कह रहा है कि कैलकुलेट करें नंबर ऑफ एटम्स, किसमें से 9.2 ग्राम ऑफ एटम्स है सोडियम के, मगर हमारे पास मोल तो दिए नहीं हुए। अब परेशान नहीं हो ना, आपके पास जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है नंबर ऑफ एटम्स का, अब मोल की जगह पे जो है ना आप मोल की वैल्यू ले दें, मोल की जो है वैल्यू दे दें। तो मोल की जो वैल्यू मैंने आपको कल दिखाई थी, अगर आप एटम की सूरत में लेते हैं तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गिवन मास तो लिख सकते हैं, मगर एक स्पेसिफिक चीज़ भी मैंने आपको बताई थी कि मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, क्या लिख सकते हैं हम, मास एलिमेंट के लिए, मास ऑफ एलिमेंट, क्योंकि ये एलिमेंट है तो मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एन ए। अब इस फार्मूले से क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब आप देखें कि 9.2 क्या बेटा, 9.2 को जब हम डिवाइड कर दें, सोडियम का मास कितना है 23, मल्टीप्लाई कर दें हम एन ए से, तो हमारे पास सोडियम का मास कितना है 23 है। तो जब आप इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9.2 को, ये अब इसका यूनिट आपको पता है, इसका यूनिट है ग्राम, इसका यूनिट है ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम का है। अब जब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएंगे 0.4 मोल्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें एन ए से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जवाब, अगर बिल्कुल सिंपल मेथड था आपको ऐसे नहीं दिया होगा, अब आप कर लें, अब 6.02 से आप मल्टीप्लाई, आपके पास सिर्फ ये जाएगा, ऐसे भी आपके पास जो है आंसर आ सकता है कि 0.2 × 10^23 भी आ सकता है, या 0.4 × 10^Na भी आ सकता है। अगर आपके पास, अगर आप कोई करने, अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है तो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास जवाब आएगा वो आएगा 2.408 × 10^23। तो ये आएगा हमारे पास, ऐसे हमारे पास जो है जवाब आ सकता है। तो ऐसे सिंपल प्रॉब्लम होते हैं इससे। तो ये हमारे पास क्या था बेटा,
ये हमारे पास था इन टर्म्स ऑफ, क्या बेटा, इन टर्म्स ऑफ एटम्स, एलिमेंट के टर्म में। अब हम आते हैं कि अब जो है आज के लिए हमारे पास ये लेक्चर इतना ही है। अब जो है सुबह इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और आयन भी अगर टाइम मिला तो साथ में पढ़ लेंगे। तो ये हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट, तो आप जाके इसकी प्रैक्टिस करें, आज के लिए इतना काफ़ी है।